This New Year's Eve, Atrium Cinemas in Pakistan. पाकिस्तानी हिस्ट्री में पहली बार रीजेंट प्रॉपर्टीज और मानवी वाला एंटरटेनमेंट ला रहे हैं 3D डिजिटल सिनेमा इन कराची, जिसका आगाज किया गया हॉलीवुड के मायानाज डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन की ब्लॉकबस्टर फिल्म अवतार से। डिजिटल 3D में अवतार ने जो कर दिखाया है कि जी एक डायरेक्टर की फिल्म जो कि उससे पहले टाइटैनिक जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ सका, उसने 12 साल बाद डिजिटल 3D में फिल्म बनाई तो पूरी दुनिया ने मोर देन उसका आप समझें 80% रेवेन्यू वो 3D में हुआ, दुनिया उस तरफ कन्वर्ट हो गई। यही वजह है कि आज आप देख रहे हैं कि दुनिया भर में जितनी बड़ी फिल्में हैं वो 3D में बनाई जा रही हैं और ये फ्यूचर है सिनेमा का। अच्छी चीज़ है, खुशी का मकाम है कि हमारे इन्वेस्टर जो हैं नदीम मांडीवाला साहब जो फिल्म बिजनेस से ही ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने ये नई टेक्नोलॉजी जो है अपने इन्वेस्टमेंट से लाए हैं। ये प्रोजेक्ट के ऊपर हमारे को बड़ा नाज है कि इस प्रोजेक्ट में 3 सिनेमा है जो पाकिस्तान में पहली दफ़ा आए हैं, और इस तरीके से अगर और नए सिनेमास खुलते जाएंगे तो हमें हमारे पाकिस्तानी मूवीज़ के आने के भी बड़े अच्छे चांसेस मिलते हैं, बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस मिला है। देखिए, नई टेक्नोलॉजी, नई जगह, मॉल में सिनेमा बन जाना, ये बहुत बड़ी बात है। दिस इज़ फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान एंड सो ब्यूटीफुल। हाथ कंगन को आरसी क्या, मैं क्या अपनी तारीफ करूंगा, खुद जाके लोग देखेंगे और कल आप पढ़ लेंगे, अखबारों में देख लेंगे। ये 31 दिसंबर से पब्लिक के लिए ओपन हो रहा है। इस मौके पर सिनेमा लवर्स बहुत खुश थे और इस कदम को खूब सराहा। एंटरटेनमेंट की वैसे यहाँ बहुत कमी है और मैं समझता हूँ कि ये बेस्ट जगह है एंटरटेनमेंट के लिए। अमेजिंग साउंड, अमेजिंग पिक्चर क्वालिटी, एवरीथिंग अमेजिंग। मैं समझता हूँ ये एक बहुत ही खुशाइन बात है क्योंकि पाकिस्तान के सिनेमा गोअर्स जो है वो बहुत ही एंटरटेनमेंट स्टार्व्ड है।